भी मत डरिए एग्जाम से कि डर के 15 घंटे आप पढ़ रहे हो बस ऑनलाइन पढ़ रहे हो, नहीं होगा ऐसे सिलेक्शन। सर हम क्या क्या करें, हम कितना करें, हम कितना पढ़ें। बात सही है बच्चों, इतना पढ़ा भी नहीं जा सकता। फिर कह रहा हूं आपसे, अगर आप ये सोचते हो कि RWA की एप्लीकेशन पर यूट्यूब पर जो क्लास चल रही है सबको सटक लूं, हो ही नहीं पाएगा, संभव ही नहीं है। और अगर आपने सटक भी लिया जबरदस्ती, सिलेक्शन नहीं होने का। हमें चलाना पड़ेगा हर चीज, क्योंकि RWA हर एक बच्चे को, या देखो एक बच्चा ऐसा जिसके 3 सब्जेक्ट कम स्ट्रांग है, उसको 1 सब्जेक्ट की नीड है, तो 1 सब्जेक्ट को स्ट्रांग करने की कोशिश करो। ये नहीं कि RWA पे हर चीज चल रही है तो मैं हर चीज लूं, हमें हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाना है। अब आपके सर अब GS की मान लो 5-5, 6-6 क्लासेस ले रहा है, GS एक छोटा सा सब्जेक्ट है जो आपको 1/4 पार्ट में आना है। अब चूंकि हमें पता कि यार देखो बाकी एक बच्चा तो ऐसा है कि उसकी हिंदी मैथ रीजनिंग सब स्ट्रांग है, अब उसको तो यार पूरा टाइम वो GS पे दे दे कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें तो उसको भी पढ़ाना है। एक बच्चा ऐसा है ना हिंदी स्ट्रांग है ना मैथ स्ट्रांग है ना रीजनिंग स्ट्रांग है, और वो GS की भी 5 क्लासेस ले रहा है एप्लीकेशन पे। अब यार ये तो बुद्धिमानी नहीं है। ठीक है, आपकी बुद्धिमानी वही होगी कि ठीक है मेरा जो सब्जेक्ट वीक है उसकी मैं क्लासेस लूंगा प्रॉपर एप्लीकेशन में, लेकिन मुझे अगर सब कुछ वीक है तो मैं GS की क्लासेस स्किप कर सकता हूँ। इतनी बुद्धि भगवान ने आपको दी है, उतनी क्लासेस स्किप करिए और फिर उतना पोर्शन बुक से पढ़ लीजिए। सर फिर क्लासेस का क्या फायदा, बैच का क्या? भाई साहब फायदा वो है जो आप कर सकते हो, ये नहीं कि आपको सब कुछ घेर घोट के पढ़ना है। हमें पढ़ाना है क्योंकि हमें हर बच्चे को देखना है, किसको किस चीज की जरूरत है हमें नहीं पता, और किसी को किसी की हो सकती है, किसी को किसी चीज की जरूरत होती है, तो हमें तो सब कुछ देना पड़ेगा। तो आप अगर सब कुछ लोगे तो 15 घंटे यूट्यूब पे दे रहे हो, फोन की स्क्रीन पे दे रहे हो, मुश्किल हो जाएगा आपको। ऐसे नहीं हो सकता पॉसिबल सिलेक्शन। और आप किसी भी सिलेक्टेड बच्चे से पूछ रहे हो, ये नहीं कहेगा मैं 15 घंटे आपसे पढ़ता था ऑनलाइन, एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है आप ये सीरीज कर रहे हो, बहुत बढ़िया है बेटा, मैं आपके सिलेक्शन की चिंता है, मुझे ये चिंता नहीं है कि आप ये पढ़ो मत पढ़ो, उसको पढ़ो उसको पढ़ो सबको पढ़ो। मैं तो जिस दिन लॉन्च करूंगा मैं तो बताऊंगा भैया ये क्लासेस हम लोग चलाने वाले हैं, आपको जरूरत है तो लीजिए, नहीं जरूरत है तो खाकी बैच करिए, सब कुछ तो बताया है आपको, और जिनका पूरा है कोर्स वो इनको जरूर लीजिए, ये बोला है। और मैं हमेशा इस तरह से ही बोलता हूं, मैं तो ये नहीं कहता कभी कि सबको लेना जरूरी है, नहीं। ठीक है तो थोड़ा सा प्लीज कंट्रोल करिए, इतना भी मत डरिए एग्जाम से कि डर के 15 घंटे आप पढ़ रहे हो बस ऑनलाइन पढ़ रहे हो, नहीं होगा ऐसे सिलेक्शन। ठीक है अपनी चीजों पे फोकस करिए कि मैं किस चीज में वीक हूं और किस चीज से मेरा सिर्फ मॉक टेस्ट से काम चल जाएगा। मिनी मॉक को चलाने वाला हूं 15 जनवरी से, कि मेरे को यार इस चीज का सिर्फ मैं मिनी मॉक कर लूंगा मेरा काम हो जाएगा, चाहे वो मैथ्स हो सकती है, चाहे वो रीजनिंग हो सकती है, चाहे वो हिंदी हो सकती है, चाहे वो GS हो सकती है। और जिस चीज को आप कर सकते हो मिनी मॉक से उसकी मत लीजिए क्लास, जिस चीज का प्रैक्टिस सेट से कंप्लीट कर सकते हो उसकी क्लास मत लीजिए, जिस चीज को आपको क्लास से कॉन्फिडेंस आ रहा है उसका प्रैक्टिस सेट मत लीजिए। आपको एनालिसिस करना है, आप क्लास प्रैक्टिस सेट जब लीजिए जब मेरी वहां तैयारी पूरी है, मैं अब इस चीज को चेक कर लेता हूँ कि मैं कितना कर पाता हूँ प्रैक्टिस सेट, तो फायदा है प्रैक्टिस सेट का। ठीक है चलिए बच्चे, तो ये सारी बातें मुझे आपको बतानी थी बस, बाकी सब डिसीजन आपके हैं बच्चे, बड़े भाई होने के नाते मेरे को गाइड करने का काम। ठीक है।